अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली गोल्ड जो है $2500 के बाद $2532 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट दो तीन बार गोल्ड के साथ ऐसा हुआ कि गोल्ड प्राइसेस ने 2530 2532 जाने की कोशिश करी, बट दो तीन अटेम्प्ट गोल्ड प्राइसेस के जो थे वो अनसक्सेसफुल रहे। और जो लाइफ टाइम हाई था, यानी कि जो ऑल टाइम हाई था गोल्ड का, वो 20th of August का ही था, 31 या फिर $32 के आसपास। दो तीन बार गोल्ड प्राइसेस ने ऊपर जाने की कोशिश करी और दोनों तीनों बार ही गोल्ड प्राइसेस वहाँ से नीचे आ गए। अभी देखना ये है कि गोल्ड कितना ऊपर जाने की कोशिश करता है, बिकॉज अब फेडरल रिजर्व का टाइम आ ही गया है। कल जो था अगस्त का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, अब से सितंबर शुरू हो गया है और सितंबर में फेडरल रिजर्व की मीटिंग है। इन्फ्लेशन के नंबर्स कल आए थे, 0.2% मंथली के आसपास इन्फ्लेशन दिखा रहा था। कोर पीसी इंडेक्स, जो कि फेडरल रिजर्व का फेवरेट इंडिकेटर है इन्फ्लेशन नापने के लिए, अब थोड़ा सा वो बढ़ा हुआ एलिवेटेड तो ज़रूर था, बट वो इतना एलिवेटेड भी नहीं था कि उससे फेडरल रिजर्व के जो प्लान है इंटरेस्ट रेट कट करने का, उस पर कोई असर पड़े। अब फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक CPI का डेटा आएगा जो फेडरल रिजर्व देखेगा और उसके हिसाब से डिसाइड करेगा, बिकॉज जिस तरीके से जॉब्स मार्केट चल रहा है, जॉब मार्केट से याद आया अगले हफ्ते नॉन फार्म पेरोल का भी डेटा है जो कि इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज अगर जॉब मार्केट पे प्रेशर बना, जो कि काफ़ी इंडिकेटर देख के लग रहा है, काफ़ी डेटा देख के लग रहा है, अगर जॉब मार्केट्स पे प्रेशर बना तो फेडरल रिजर्व हो सकता है थोड़ा सा अग्रेसिव रेट कट शुरू कर दे। अग्रेसिव रेट कट से मेरा मतलब है 25 BPS की जगह 50 BPS हो सकता है रेट कट हो जाए, अगर अगले हफ्ते मार्केट का जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है वो थोड़ा सा प्रेशर में आया और CPI थोड़ा सा ईज होके आई, जो कि ये दो मेजर डेटा है फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का। मंडे US का बैंक हॉलीडे है, लेबर डे है, तो कुछ भी आप पोजीशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लीजिएगा, बिकॉज US सेशन में थोड़े से मूव्स वाइल्ड हो सकते हैं। जब बैंक हॉलीडे US में होता है तो वॉल्यूम्स US सेशन में कम हो जाते हैं और फिर उससे मूव्स पे असर पड़ता है। बाकी पिछले हफ्ते हमारा जो था महीना ख़त्म हुआ अगस्त का, अगस्त में जो मैंने परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे व्हाट्सएप चैनल पे बता दिया था। सिल्वर में हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट क्लॉक हुआ। नॉर्मली जो है आपको सिल्वर का एक लॉट ट्रेडिंग करने के लिए $10,000 का मार्जिन चाहिए होता है, बट हमारा अकाउंट जो मैं परफॉर्मेंस कैलकुलेट करता हूँ वो $20,000 से कैलकुलेट करता हूँ, तो एक लॉट पे नियरली $9,000 का प्रॉफिट हमें सिल्वर में पिछले महीने हुआ। गोल्ड में $4,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हमने क्लॉक किया है। सारी परफॉर्मेंस जो है मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, डिटेल में आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मार्केट कमेंट्री मंडे से चेंज हो जाएगी, डिटेल्स आपको ऑलरेडी दे दी गई हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं या मेरी टीम से व्हाट्सएप करके जानकारी ले भी सकते हैं। अब चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन, मेजर एक्शन हो सकता है। उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए रोज के वीडियो के। तो यह है गोल्ड का चार्ट, $2504 के आसपास जो है बंद हुआ है। एक अच्छी तेजी जो है अगेन पिछले हफ्ते दिखाने की कोशिश करी थी। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था 2518 पे, 2518 पे ओपन होने के बाद लोज बने थे 2494 के, उसके बाद हाई बनाने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट मंडे भी इसने ट्राई किया, 2527 का हाई बनाया, ट्यूसडे 2526 का हाई बनाया, वेडनेसडे भी हाई 2529 का है, थर्सडे भी हाई 2529 का है, फ्राइडे भी हाई 2527 का है। तो अगेन कोशिश कर रहा है ये वाले लेवल को ब्रेक करने की गोल्ड। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो और ऑल टाइम हाईज देखने को मिल सकते हैं, प्रॉबेबली 2550 और 2580 की तरफ मिल सकते हैं। जब तक ये हाईज नहीं टूट रहे, एक छोटी सी उम्मीद की किरण आप कह सकते हो कि सेलर्स के लिए है,
ये हाई ब्रेक करने के बाद ही फ्रेश बाइंग शुरू होगी गोल्ड के अंदर। बट जॉब्स डेटा है अगले हफ्ते, जो कि इम्पॉर्टेंट डेटा है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगले हफ्ते जॉब्स के साथ साथ और भी डेटाज हैं, तो एक बार डेटा का चार्ट देख लेते हैं, डेटा की लिस्ट देख लेते हैं अगले हफ्ते क्या क्या है। जो भी टाइम आपको यहाँ पे दिखेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से है, जैसे कि मैंने बताया था मंडे यूएस की छुट्टी है, जर्मनी के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आएंगे तो इस पर ध्यान रहेगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर बता ही दूंगा। स्विट्जरलैंड के महंगाई के आंकड़े आएंगे, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है, जॉब ओपनिंग्स हैं वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, सर्विसेज नंबर्स है और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। फ्राइडे आएगा मेजर डेटा, एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी है, तो ध्यान रखिएगा। फ्राइडे मेजर एक्शन वाला डेटा है तो ख्याल रखिएगा। चार्ट्स पे चलते हैं, तो अभी गोल्ड ने $2500 के ऊपर वापस से क्लोजिंग दी है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो एक रेड क्लोजिंग हुई होगी एग्जैक्टली, क्योंकि 2518 के आसपास बंद हुआ था, बट क्लोज हुआ है 2503 के आसपास। ज़रूरी नहीं है कि वीकली चार्ट पे अगर नीचे बंद होता है तो इसका मतलब वीक जोन में आ गया। वी विल स्टिक विद अवर डेली चार्ट पैटर्न। जब तक हमारा सपोर्ट ब्रीच नहीं होगा, ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए हैं, गोल्ड हमारा अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है, बिकॉज सपोर्ट स्टैंड्स आर $2390। 2390 का मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गोल्ड ज़रूर नीचे जा सकता है। बट जब तक 2390 के नीचे क्लोज नहीं होता है, तब तक गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही है। 2390 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 2350 और $2300 तक गोल्ड आ सकता है। रेजिस्टेंस है $2555 का। ट्रेंड जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा डेली ट्रेंड और इंट्राडे ट्रेंड डिफरेंट हो सकते हैं, काफ़ी बार डिफरेंट होता भी है, तो प्लीज़ अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच इंट्राडे वीडियो एज वेल बिफोर इनिशिएटिंग द ट्रेंड, सो यू विल हैव एन आइडिया के इंट्राडे का ट्रेंड क्या है। सिल्वर पे चलते हैं, $28.85 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। सिल्वर अगेन एक कंफ्यूज्ड जोन में है। कंफ्यूज्ड जोन में इसलिए है कि $30 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। दो तीन बार कोशिश की, अटेम्प्ट किया $30 से ऊपर क्लोजिंग करने का, आप ही देख सकते हो $30 से ऊपर, ये देखिए 2996 तक की क्लोजिंग हो चुकी है दो बार, पर $30 से ऊपर की एक भी क्लोजिंग नहीं हुई है। $30 की ऊपर की क्लोजिंग होगी देन वी विल हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, टिल देन सिल्वर विल रिमेन इन एटलीस्ट फ्लैट टू वीक जोन। सो रेजिस्टेंस आपको पता चली गया है क्या है, $30.05 का मैं रेजिस्टेंस, नॉर्मल 30 सेंट का ही है, बट द स्प्रेड एंड द वोलाटिलिटी इज डिमांडिंग अ लिटिल बिट स्प्रेड। तो $30.05 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है हमारा $27.50 का। ट्रेंड है इसका फ्लैट टू वीक, 30.5 के ऊपर जाएगा तो ऑफकोर्स जरूर एक पॉजिटिव जोन में जा सकता है। चलते हैं क्रूड ऑयल पे, क्रूड ऑयल के अंदर पुरानी जारी है। क्रूड ऑयल ने अगेन वापस से कोशिश करी थी ऊपर जाने की, $78 तक ऑलमोस्ट चला गया था, लेकिन वापस से क्रैक आ गया और एक ऑलमोस्ट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वीक के आसपास की क्लोजिंग सिल्वर क्रूड ऑयल ने दी है। लोएस्ट पॉइंट ही है ये, मंडे ओपन हुआ था यहाँ से $75 से और क्लोजिंग हुई है 73.30 पे, ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक है ये। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, लेट्स फाइंड आउट। रेजिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज है,
79 डॉलर का रेजिस्टेंस है, 79 डॉलर के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो यू कैन एक्सपेक्ट 84 डॉलर। सपोर्ट है 69.80 का, ट्रेंड इसका वीक बरकरार है, लेकिन 79 डॉलर के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में चला गया है। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी, मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी टीम को व्हाट्सएप करके आप ले सकते हो, टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।